आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खरगोन जिले के बांगरदा में बुधवार को जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम के तहत जन शिक्षा केंद्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की 19 शासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक एवं जन शिक्षक जगदीश शाह एवं BL रेवा पाटी ने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के तहत नवीन शिक्षा सत्र का आरंभ 1 अप्रैल से होगा। इसके प्रथम चरण में बच्चों को बगैर बस्ते के शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी एवं बच्चों की रुचि अनुसार शैक्षणिक कार्य कराए जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का नाम विभाग द्वारा जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम दिया गया है। प्रशिक्षण में सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार जन शिक्षा केंद्र बांगरदा पर आज 27 मार्च को जॉयफुल लर्निंग का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। जॉयफुल लर्निंग के इस प्रशिक्षण में जन शिक्षा केंद्र के 12 प्राथमिक शालाओं के और 7 माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठक गण आज यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्हें वरिष्ठ कार्यालय के जो प्राप्त निर्देश हैं उन प्राप्त निर्देशों से जो है वो अवगत कराया गया। जॉयफुल लर्निंग जो है वो मूलभूत दक्षताओं के उन्नयन हेतु आनंददायी अधिगम, जो बच्चों को आनंददायी गतिविधियों के माध्यम से उनमें जो दक्षता का विकास करना है, उनकी शैक्षणिक दक्षता का विकास करना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। इस जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से 1 अप्रैल से प्रत्येक शाला में जो है वह मध्यांतर तक जो है आनंददायी गतिविधियाँ जो एक शैक्षणिक दक्षता के उन्नयन के विशेष उद्देश्य को लेकर होगी, वह आनंददायी गतिविधियाँ जो है वो मध्यांतर उत्पन्न कराई जाएगी। और मध्यांतर के पश्चात जो है हमारी जो वर्कबुक है, जो शिक्षक गतिविधियाँ संपन्न कराएंगे आनंददायी गतिविधियाँ, उसके आधार पर जो समूह बनाए जाएंगे, उन समूह में प्रत्येक बच्चे की जो गतिविधि है और प्रत्येक बच्चे की जो दक्षता है उसका जो है वह वर्कबुक पर जो अंकन किया जाएगा, उस वर्कबुक की जो है जाँच की जाएगी। शिक्षकों द्वारा आवश्यक उसमें जो है जाँच कार्य करके सुधार कराया जाएगा और उसी के आधार पर उस बच्चे को कौन सी शैक्षणिक दक्षता के उन्नयन के लिए गतिविधि की आवश्यकता है, उस गतिविधि का चयन करते हुए वो गतिविधियाँ उन्हें सिखाई जाएगी।